हर कोई जन्म से चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। कुछ लोगों को मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और तब जाकर उनको पहचान मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण मशहूर डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा। 2 अप्रैल 1972 को भारत के बेंगलुरु शहर में जन्मा गोपी नायर यानी रेमो डिसूजा। रेमो ने अपनी पढ़ाई गुजरात से की है। वह डांस को लेकर इतने दीवाने थे कि वह पढ़ाई के बीच ही घर को छोड़कर मुंबई आ गए थे। मुंबई आकर ही उन्होंने अपना नाम रमेश रेमो रख लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेमो अपने गुरु दिवंगत डांसर माइकल जैक्सन को मानते हैं और उन्होंने आज तक किसी भी तरह की डांस ट्रेनिंग नहीं ली है। रेमो का कोरियोग्राफर बनने का सपना इतना आसानी से पूरा नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा था जब रेमो के पास पैसे नहीं होते थे और उन्होंने कई रातें बिना कुछ खाए पिए ही गुजारी थी। अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने डांस क्लास खोली और दूसरों को ट्रेनिंग देने लगे। रेमो के संघर्ष के दिनों में ही उनकी मुलाकात लिजेल से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लिजेल डिसूजा पैसे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। लिजेल ने रेमो का साथ हर कदम पर निभाया और उनके मुश्किल वक्त में उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रही। रेमो डिसूजा पहले हीरो हीरोइन के पीछे डांस किया करते थे, पर कहते हैं ना, किसी काम को पूरी शिद्दत से चाहो तो उसे पाकर ही चैन मिलता है। रेमो डिसूजा को पहली बार पहचान तब मिली जब उनकी डांस टीम ने एक डांस कंपटीशन में जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें आमिर खान की फिल्म रंगीला में डांस करने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने कोरियोग्राफर अहमद खान को असिस्ट किया था। इतना ही नहीं, रेमो ने सोनू निगम के एल्बम दीवाना को भी कोरियोग्राफर किया था जो काफी ब्लॉकबस्टर था। इसके बाद रमेश गोपी यानी रेमो ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वह एक रियलिटी डांस शो डांस इंडिया डांस 3 जजों में से एक है। 2010 में शो झलक दिखलाएगा में जज के रूप में भी भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और मलाइका अरोड़ा खान के साथ भी दिखे थे। वो वर्तमान में डांस इंडिया डांस सीजन 1 और 2 के प्रतियोगियों के साथ भारत की पहली 3D नृत्य मूवी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर बंदा इतना बड़ा कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन गया, यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जीरो से हीरो तक के सफर में हजारों मुश्किलें आती है, पर सफल वही होता है जो उन परेशानियों को पार करके आगे बढ़ता है। तो आप भी अपने सपनों के पीछे लगे रहो यार, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।